हरियाणा में एक आईएएस हैं, उन्होंने कई सालों से करोड़ों की जमीन पर लगे स्टे को हटा दिया। स्टे के हटते ही उनके पति और बेटे ने कुछ ही समय बाद वो जमीन खरीद ली। अब राजस्व विभाग को इस सौदे के बारे में कुछ पता चला तो उन्हें लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, जिसके चलते अब तहसील में जमीन के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। चलिए आपको पूरे मामले को विस्तार से बताते हैं। मामला है हरियाणा के पंचकुला का। मामला कथित तौर पर एक महिला आईएएस अधिकारी, उनके राज्य सूचना आयुक्त पति, एक पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के आईएएस अधिकारी से जुड़ा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अंबाला डिविजनल कमिश्नर रेनू फुलिया ने 13 सितंबर 2023 को एक आदेश में पंचकुला के पास 14 एकड़ जमीन की बिक्री और खरीद पर लगी 20 साल पुरानी रोक हटा दी थी। जानकारी के मुताबिक ये जमीन एक पूर्व राजा की थी। वहीं पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव शशि गुलाटी के भाई पृथ्वीराज छाबड़ा द्वारा दायर की गई याचिका पर फैसला करने में उन्हें सिर्फ 16 दिन लगे थे। इस मामले में जानकारी के मुताबिक आदेश पारित होते ही कुछ महीनों बाद ही रेनू के पति एसएस फुलिया और उनके बेटे नीलांचल ने इस जमीन में से करीब 5 एकड़ जमीन खरीदने का फैसला किया। एसएस फुलिया वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त हैं और 2022 में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च को पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव शशि गुलाटी और उनके भाई पृथ्वीराज छापड़ा ने करीब 12 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के लिए पंचकुला के राजस्व अधिकारियों से संपर्क किया। शशि गुलाटी और उनके भाई का दावा है कि उन्होंने कुल 4 व्यक्तियों को जमीन 5.26 करोड़ रुपए में बेची थी। इसमें से 5 एकड़ जमीन फुलिया परिवार ने खरीदी और बची हुई जमीन मनी माजरा निवासी और पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी की पत्नी को बेची जानी थी। वहीं अधिकारियों के मुताबिक जमीन की मार्केट वैल्यू मौजूदा सौदे से काफी ज्यादा है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक शशि गुलाटी और उनके परिवार ने पंचकुला जिले के बीड़ फिरोजाबादी गाँव में पूर्व राजा के कानूनी उत्तराधिकारियों से 14 एकड़ की जमीन खरीदी थी। राजा के पास पंचकुला के 7 गांव जिसमें से बीड़ बाबरपुर, बीड़ फरोजाबादी, भरेली, संग्राना, बरवाला, जलोली और फतेहपुर वीरान शामिल है। इन 7ों गांवों में करीब 1396 एकड़ जमीन थी। साल 2003 में एसडीएम ने पंचकुला में कुछ गांव की जमीन पर स्टे लगा दिया था, क्योंकि अधिकारी ये जानना चाहते थे कि लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 के तहत राजा की मौजूद इस जमीन जो कि 1396 एकड़ है, इसमें से कौन सा हिस्सा सरप्लस कैटेगरी में आता है और कौन सा हिस्सा परमिसेबल एरिया में आता है। क्योंकि सरप्लस कैटेगरी वाली जमीन राज्य सरकार के पास जाती है, वहीं जो परमिसेबल एरिया वाली जमीन होती है उसे लोग खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अंबाला डिविजनल कमिश्नर रेनू फुलिया ने इसी आदेश को सितंबर 2023 में पलट दिया था। एक्सप्रेस के मुताबिक रेनू का दावा है कि उनके आदेश देने के काफी समय बाद उनके पति और बेटे ने जमीन खरीदने के बारे में उन्हें बताया। आईएएस रेनू फुलिया का कहना है कि उन्होंने इस जमीन को बेचने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि वो परमिसेबल एरिया के अंतर आती थी। इसके अलावा रेनू का कहना है, गुलाटी परिवार से हमारी बातचीत अक्टूबर नवंबर 2023 में हुई थी। जब वो जमीन बेचना चाहते थे तब हमने जमीन खरीदने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि उनके पति ने 42.5 लाख रुपए में 5 एकड़ जमीन खरीदने का सौदा किया। उन्होंने इसकी जानकारी मुख्य सूचना आयुक्त को दी। इतना ही नहीं, रेनू के मुताबिक उन्होंने अपने पति और बेटे के नाम पर जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति भी ली थी। जमीन खरीदने के लिए दिसंबर 2023 में उनके पति ने एडवांस पेमेंट भी कर दी थी। इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।